सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को ना कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप की फेस स्मूथ करना सिखाऊंगा इस, और जो भी आप लोग को फेस स्मूथ करने का तरीका बताया हूँ, बहुत ही आसान तरीका बताया हूँ, एंड आप लोग को न्यू ट्रिक बताया हूँ फेस स्मूथ का गाइस। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते हैं ना गाइस, तो आप लोग को ट्रिक पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं चैनल पर नया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करना है। सबसे पहले तो अपनी फोटो को यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, और आप लोग को अपनी फोटो को सेंड कर लेना है किसमें, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में लाने के बाद से आप लोग क्या करना है, सबसे बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बता रहा हूँ गाइस फोटो एडिट करने का। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड देख लेते हैं ना गाइस, तो आप भी मेरे जैसे सेम फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करना है, और आप लोग को सबसे नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है गाइस, और यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने ऐसे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है। तो जहाँ आप लोग को ब्राइटनेस कम दिखे वहाँ पे ऐसे इंक्रीज करना है नॉर्मल। तो देख सकते हैं जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ पर हम ऐसे सिलेक्ट करके अपने ब्राइटनेस को ऐसे इंक्रीज कर ले रहे हैं। अब इतना करने के बाद से गाइस आप लोग को यहाँ से डन कर देना है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और डिटेल्स पे जाना है, नीचे स्लाइड करना है गाइस। आप लोग को अपनी फोटो में हल्का सा शार्पनेस को इंक्रीज कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से एक बार टूल्स पे क्लिक करना है, टून इमेज पे जाना है, और यहाँ पे देखिए हल्का सा हाईलाइट को माइनस में रखेंगे और अम्बाइंस का ऑप्शन मिलेगा, इसको हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अपनी फोटो को यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और अपनी फोटो को ले चलना है किसमें, लाइटरूम के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी फोटो को ओपन कर लिया हूँ लाइटरूम के अंदर। तो यहाँ पे ओपन करने वाले ना गाइस अपनी फोटो को हल्का सा रिटच करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले लाइट पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे कंटेस्ट को माइनस में रखेंगे और हाईलाइट को भी हल्का सा माइनस में रखेंगे गाइस, शेडो को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे और वाइट को भी इंक्रीज, और ब्लैक को यहाँ पे माइनस में रखेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इतना सेटिंग देख लेना है, आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप लोग देखकर आराम से एडिट कर लीजिएगा। और आप लोग क्या करना है फ्रेंड्स, कलर पे आना है और यहाँ पे देखिए मिक्स पे जाना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे थर्ड वाले कलर पे आना है। सबसे पहले इसका सैचुरेशन आप लोग को पूरा फुल माइनस में रखना है और ग्रीन का भी। आप लोगों को यहाँ पे देखिए जिसका जिसका सिचुएशन मैंने माइनस में रखा हूँ, आप लोगों को वैसे सेम सेटिंग कर लेना है और लास्ट में इसको इंक्रीज कर लेना है। और फ्रेंड्स क्या करना है, सेकंड कलर पे आना है, इसका सिचुएशन हल्का से माइनस में रखना है, अपने फेस को गोरा करना है। तो जितना आप लोग को गोरा करना है फ्रेंड्स, उतना आप लोग इसका सिचुएशन माइनस में रख लेना है और लुमिनस को इंक्रीज कर लेना है और हुआई को भी हल्का से इंक्रीज कर लेना है आप लोग को यहाँ पे। तो देख लिए फ्रेंड्स, आप लोगों को हल्का से ही गोरा अपने फेस को करेंगे तो और अच्छा लगेगा फोटो, और यहाँ से डन कर देना है आप लोगों को। अब इस पर आना है फ्रेंड्स, हल्का से क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है और टेक्सचर को भी, और विग्नेट को हल्का सा माइनस में रखना है। और फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे इस पर आना है, सरप्राइज को यहाँ पर इंक्रीज करना है और मैकिंग को भी, और डिटेल्स जितना आप लोग को दिख रहा हो यहाँ पे 100 रखना है डिटेल्स को, और नॉइज डिटेक्शन को यहाँ पे हल्का सा और ज़्यादा इंक्रीज करना है, इससे हल्का सा और आप लोगों को फेस जो भी नॉइज मतलब फेस स्मूथ हो जाएगा। और डिटेल्स को 100 रखना है यहाँ पे, कंटेस्ट को भी और कलर नॉइज डिटेक्शन को भी, और डिटेल्स को 100, स्मूथनेस को 100। और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को हल्का हल्का आप लोग करके दिखा दिया हूँ, और यहाँ पे इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना आप लोग को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिफोर आफ्टर देख लेना है, बिफोर एंड आफ्टर। अब आप लोग क्या करना है गाइस, यहाँ पे अपने लिप को हल्का से पिंक करना है, तो प्लस पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले टूल्स पे आने के बाद, और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ब्रश पे क्लिक करना है आप लोग को, और अपने फोटो को से जूम करना है, और जूम करने के बाद अपने लिप पे से ड्रॉ करना है आप लोग को, और यहाँ पे कलर पे आना है और यहाँ पे इस वाले कलर को ले लेना है, इसका सैचुरेशन को हल्का से इंक्रीज कर लेना है गाइस, और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर को हल्का से माइनस में रखना है और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बिफोर एंड आफ्टर, और हल्का से क्या करना है आप लोगों को,
मिक्स पेन है और फर्स्ट वाले कलर पेन है, इसका सचेशन को हल्का सिंकेज कर ले रहे हैं वही को माइनस, तो यहाँ पे लिप का कलर और भी ज़्यादा चेंज हो जाएगा देख सकते हैं। अब यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्या करना है, हल्का से यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेना है। तो गाइस अब आप लोग क्या करना है, अपने फेस को स्मूथ करना है। तो स्मूथ करने के लिए आप लोग क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले शेयर बटन पे क्लिक करना है और अपने फोटो को शेयर कर लेना है किस में, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया हूँ ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे ओपन करने वाले फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रश पे क्लिक करना है और देखिए फ्रेंड्स बेसिक पे आना है। बेसिक पे आने बाद इस वाले ब्रश को लेना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ब्रश को टाइप कर देना है यहाँ पे, और सेटिंग आप लोग को इसको देख लेना है, ओपन करना है और यहाँ पे देखिए ग्लोबल पे क्लिक करना है, लिखा होगा आप लोग को यहाँ पे स्मैच ब्रश कर लेना है। और यहाँ पे देखिए फ्लो को यहाँ पे 6 रखना है, स्ट्रेंथ को यहाँ पे 8 रखना है या 9 भी रख सकते हैं गाइस, और साइज को अपने हिसाब से रखना है। तो अब यहाँ पे इतना करने वाद से आप लोग क्या करना है, अपने फोटो को ऐसे जूम करना है और जूम करने वाद से आप लोग को ऐसे अपने फेस पे ऐसे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के बाद से आप लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं गाइस, स्मूथ हो रहा है कि नहीं फेस, या बिल्कुल न्यू ट्रिक है गाइस फेस स्मूथ करने का। अभी तक आप लोग को बहुत सारे मतलब वीडियो देखे होंगे फेस स्मूथ का, लेकिन आप लोग को ये ट्रिक कोई नहीं बताया होगा फेस स्मूथ का। और फेस स्मूथ करते टाइम आप लोग क्या करना है गाइस, आप लोग अपने फोटो को ऐसे रोटेट कर करके आप लोग अपने फेस को स्मूथ करना है। तो अगर ऐसे रोटेट कर करके अपने फेस को स्मूथ करते हैं ना गाइस, जो भी आप लोग को ब्लैक दिखाई देता है, जहाँ ब्लैक होता है फेस स्मूथ करते टाइम, आप लोगों को वो ब्लैक नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितना सॉफ्ट स्मूथ हो रहा है। तो ऐसे करके हम जल्दी से आप लोगों को फेस स्मूथ करके दिखा देते हैं गाइस, आप लोग आराम से फेस को अपने स्मूथ कर लीजिएगा। और स्मूथ करने वाद से आगे आप लोगों को स्टेप बता रहा हूँ क्या करना है। तो आप लोगों को वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, आप लोग बट आराम से फेस को अपने स्मूथ करिए गाइस, जितना ही टाइम देंगे फेस स्मूथ में उतना ही अच्छे से स्मूथ कर पाएंगे अपने फेस को। यहाँ पे देखिए मेरा फेस स्मूथ हो चुका है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। तो थोड़ा से मतलब जल्दी में मैं फेस स्मूथ किया हूँ, तो हल्का से यहाँ पे साइज छोटा बड़ा करके हमको स्मूथ करना चाहिए। तो यहाँ पे हल्का हल्का देखिए मिस्टेक हो चुका है गाइस, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो फेस स्मूथ करने वाद से गाइस अब आप लोग क्या करना है, अपने आँख में लेंस लगाना है एंड यहाँ पे एक PNG जो लगाया हूँ उसको लगाना है। तो कैसे लगाना है गाइस, सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, 3 डॉट पे क्लिक करना है और अपने फोटो को सेव टू डिवाइप कर लेना है गाइस, और अपने फोटो को ले चलना है किस में, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे ओपन करने वास्ते आप लोग क्या करना है, यहाँ पे रिटच पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, और रिटच पे क्लिक करने वास्ते आप लोग इधर आना है, यहाँ पे देखिए आई कलर लिखा होगा उस पर क्लिक करना है गाइस, और यहाँ पे जो आप लोग को आई बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, तो जो अच्छा लगे गाइस आप लोग वो सिलेक्ट करके अपने आँख में ऐसे सेलेक्ट करके लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस वाले हम आई लेंस को ले लेते हैं और इरेज पे जाएंगे, ऊपर के भाग को ऐसे इरेज कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ से डन कर देंगे गाइस, और इसके ऑपेसिटी को और हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे फाइनल। तो देखिए फ्रेंड्स आँख में यहाँ पर लेंस लग चुकी है, और हल्का से लिप को और भी मतलब पिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेकअप पे आएंगे गाइस, और आप लोगों को लिप का कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पिंक कलर सेलेक्ट करके आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हल्का सा लिप और ज़्यादा पिंक हो गया, और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो फाइनल यहाँ से डन कर लेते हैं गाइस। अब यहाँ पे एक PNG को ऐड करना है आप लोग को, PNG को ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए स्टिकर पर क्लिक करना है गाइस, और यहाँ पर आप लोग को सर्च बार पर क्लिक करना है, माँ PNG सॉरी यहाँ पर माँ लिखना है, माँ जैसे लिखेंगे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे आएगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको सेट करेंगे, फोटो को जूम करके यहाँ पे इस PNG को लगा लेंगे गाइस, और यहाँ पे इसके हल्का से शैडो को ऑन कर देंगे, और यहाँ पे बीच में आने वाले इसको अब सेटिंग ऐसे कर लेंगे गाइस। तो ये रियल लगेगा, और यहाँ से डन कर देना है। तो फाइनल गाइस यहाँ पे आप लोगों को फोटो एडिट हो चुकी है, तो अब क्या करना है अपने फोटो को सेव कर लेना है। तो नीचे आना है डॉट टूल में,
और थ्री डॉट पे क्लिक करना है, अपने फोटो को सेव टू ड्राइव कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर।